आप पहली दफा आए तो आपकी शुगर कितनी थी? हमारा शुगर फर्स्ट टाइम था 345, 350, 300 प्लस ही था, यानी 350 का प्लस ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आपका दवाई खाया हूँ तो हमको सेहत में भी थोड़ा फर्क आया है और दवाई में भी फर्क आया है। और शुगर अभी हमारा एक हफ्ते का तो दवाई खाए हैं, शुगर हमारा 200, 190, 110 ऐसा ही रहता है। पहले दिन 160 भी चला गया था। हाँ, 160 भी चला गया था। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दुबई में, शारजा में, यूएई में। तो मेरा जो फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे रिहाइश के नीचे ही, ग्राउंड फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं लिफ्ट के पास। ये लिफ्ट है और ये हमारे बाहर का रास्ता है। हमारे साथ मौजूद है एक इंडियन है, आप माशाल्लाह हमारे इंडियन मुस्लिम भाई मौजूद है हमारे साथ। और आज से एक हफ्ते पहले एक पाकिस्तानी भाई अब्बास ने इनको नंबर दिया था और ये शुगर की दवा लेके गए थे। तो आए आज इनसे पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ा डॉक्टर फहीम की दवा लेने के बाद। एक हफ्ते पहले जब आप आए, मैंने ये सुना था, अब्बास भाई ने मुझे फोन पे भी बताया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप इलाज कराने हिंदुस्तान इंडिया जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? तो आप इंडिया जा रहे थे और अब्बास भाई ने रोक दिया कि नहीं, हमारा पाकिस्तान का एक डॉक्टर आया हुआ है जो टीवी पे भी आता है, बहुत सारे मरीजों का तबीयत सही हुआ है, उसका थोड़े दिन के इलाज से शुगर खत्म हो जाएगा और शुरू के पहले दिन से अंग्रेजी दवा बंद हो जाएगा। जी, जी, जी। जब आप पहली दफा आए तो आपकी शुगर कितनी थी? हमारा शुगर फर्स्ट टाइम था 345, 350, 300 प्लस ही था, यानी 350 का प्लस ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आपका दवाई खाया हूँ तो हमको सेहत में भी थोड़ा फर्क आया है और दवाई में भी फर्क आया है। और शुगर अभी हमारा एक हफ्ते का तो दवाई खाए हैं, शुगर हमारा 200, 190, 110 ऐसा ही रहता है। पहले दिन 160 भी चला गया था। हाँ, 160 भी चला गया था, सही है ना? अभी सिर्फ 5-6 दिन दवा खाया है आप। जी 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 जी। अंग्रेजी दवा कितने अरसे से खा रहे थे आप? हम तकरीबन आज 2 साल से खा रहे हैं। 2 साल में कभी इतना शुगर कम हुआ नहीं और खा ही रहे हो दवा, मरते दम तक खाना है। जी जी जी। और तबीयत क्या खराब हो गया था जो आपको हिंदुस्तान जाना पड़ा? नहीं, हमारा शुगर मतलब हाई हो गया था और दर्द होता था मैंने जिस्म में, मैंने कुछ ये नहीं, कुछ भी खाए, कोई आदमी से भी बात करे तो हमको ऐसा लगता था कि उसको अभी मार दें, समझे ना? तबीयत बहुत खराब होती थी, हाथ पैरों में जलन होती होगी, दर्द होता होगा, गुस्सा आता होगा। गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आप, मैंने एक हफ्ते में आपको देखा है, एक हफ्ते पहले आपके चेहरे पर रौनक नहीं थी, परेशानी थी, चेहरा उतरा हुआ था, कमजोरी थी। आज एक हफ्ते के अंदर आप अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने में मेहनत ज्यादा कर सकते हो, चेहरे पर रौनक आ गई है, इस हवाले से कुछ बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपका दवाई खा के हमको बहुत ही अच्छा लगा, सुकून लगा। अल्लाह करे कि हम आपका दवाई खा करके अगर हमारा शिफा दे दे अल्लाह ने तो ये आपका एहसान। यूएई में कहाँ होते हैं आप? हम दुबई अलावीर में हैं। अलावीर के अंदर होते हैं, क्या काम करते हैं? हमारा काम वेल्डिंग का है सर। तो अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, कोई हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं आप? बिहार में। बिहार में हिंदुस्तानी भाइयों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं आप लोगों से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि डॉक्टर फहीम साहब का जो दवाई है वो दवाई आप इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, 2 से 3 महीना तक इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। कोई और बात जो आपने इस 5 दिन में देखी हो, पेशाब के हवाले से, कमजोरी के हवाले से, कोई और बात देखी हो जो आप बताना चाहें? नहीं, पेशाब जो पहले हमको बहुत आता था अभी नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई खाने के बाद, और मैं डेली रात में सोने के टाइम 1-1 गिलास दूध पीता हूँ। ओह हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपके तवज्जुह से बता दूं, नाम क्या था आपका? आलम। आलम भाई के तवज्जुह से मैं बात बता रहा हूँ, दूध, दही, प्याज, फ्रूट मगरिब से लेके फजर तक नहीं खाना, नुकसान करता है फायदे के बजाय। अच्छा, आज से आपने दूध नहीं पीना रात को, दूध पीना है मगरिब में पियो। ओके। सुबह उठ के दूध पीना सुन्नत है। ओके। फायदा है, सुबह उठो, 1 सेब खाओ दूध पियो। ओके। खजूर खाओ दूध पियो। ओके। मगर मगरिब से लेके फजर तक नहीं खाना है। ये भी, ये आज से आपने नहीं करना है। ओके ओके डॉक्टर साहब, ये आप बता दिए हमको, याद ये नहीं था, हम शाम में डेली दूध पीता था 1 गिलास, अभी आप बोले तो हम बंद कर देंगे। और दूध उसमें भी दुबई में ये फायदा है कि हमारे यहाँ दूध गाय का मिलता है। जी। क्योंकि पूरी दुनिया में गाय का दूध पिया जाता है, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान है कि जहाँ पे भैंस का दूध दे रहा है, भैंस का दूध नुकसान करता है। तो ये गाय का दूध जहाँ हमें मिलता है ये फायदेमंद है, मगर आपने रात में नहीं पीना है। ड्राई फ्रूट खाओ, नींबू पानी पियो,
तमाम फ्रूट खाओ, सब्जियां, दालें, गोश्त सब कुछ खाओ, अंडा खाओ, मगर ये रात में चीजें नहीं लेनी, और ये सब आपके शुगर के लिए फायदेमंद है। अचार शुगर के मरीज के लिए फायदेमंद है। अचार, अचार आज फिर ये एक हफ्ते बाद दवा लेने आए, इस एक हफ्ते में मैं पाकिस्तान भी होकर आ गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हो। आपको मैंने डॉक्टर साहब कॉल भी किया, लेकिन आपका कॉल से उधर से पाकिस्तान से बोल रहा था कि आपको आपका मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आ रहा है। मैं पाकिस्तान था इस वक्त, मैं तीन चार दिन के लिए पाकिस्तान गया था, वहाँ मेरा काम ज्यादा है, मरीजों का रश बहुत होता है तो जाना पड़ता है, क्योंकि मरीज को हम ऑनलाइन देख लेता है, मगर मरीज वहम करता बोलता नहीं, जब तक हम डॉक्टर साहब को नहीं देखेगा अपने सामने बैठा हुआ जब तक हमें मजा नहीं आएगा। तो बस ये एक होती है बात। और कोई पाकिस्तानियों को मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों से सबसे ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब से इस तरह रब्ता कीजिए कि अल्लाह आपको भी शफा दे और डॉक्टर साहब का भी अल्लाह ताला मतलब दिन दुनिया में तरक्की अता फरमाए। पैसा कमाना कोई मसला नहीं है, नहीं जो दुआ है ना, दुआ है, दुआ के लिए बोलिए, नामुमकिन काम पूरी दुनिया में शुगर का इलाज नहीं, ये अल्लाह जो काम ले रहा है बस ये अल्लाह ताला जारी रखे, बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मतलब यहाँ तो खैर यहाँ मरने के बाद भी जन्नत में असल जिंदगी अदा करे, बस यही और कुछ नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखने वालों का भी शुक्रिया। वीडियो बनाने का मकसद ये कतन नहीं है कि हमारे पास मरीजों का रश लग जाए या कुछ हो जाए, दीवारों पे इश्तेहार, दुकानों पे इश्तेहार तो बहुत मिलेंगे आपको, ये एक रिकॉर्ड होता है और एक बताया जाता है कि मूजी अमराज के खिलाफ जो हम जहाद कर रहे हैं, और इस जहाद में पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद हम पूरी दुनिया में अब आ गए, दुबई रजिस्टर्ड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने सऊदी अरब प्लान है, फिर यूरोपियन कंट्री जाना है, पूरे गल्फ कंट्री के अंदर हमने ब्रांचेस खोलनी है, और उस मूजी मर से खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, एशियाई ममालिक की जान छुड़ानी है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जितने ममालिक के जितने भी ओवरसीज हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग, इन तमाम ममालिक के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, उन सबको इस मूजी मर से जान छुड़वाना है। आलम भाई आज फिर दुआ लेने आए, दवा लेने आए, आप लोगों ने दुआ करनी है इनके लिए भी और मेरे पास आने वाले तमाम मरीजों के लिए भी, और हम दुआ करते हैं उन तमाम मरीजों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें देखते हैं, आपको अल्लाह ताला शिफा दे, आप लोगों का शुक्रिया, मरीज भी भेजते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। जी टीवी K21 पर हर मंगल बुध जुम्मा इतवार मेरा एक घंटे टीवी प्रोग्राम आता है, वो आप लोग देखते हैं। अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूं मगर कॉल पे ऑन एयर होता हूं, लाइव होता हूं, क्योंकि आप लोग कहते थे डॉक्टर साहब रिकॉर्ड प्रोग्राम चल जाता है, तो रिकॉर्ड नहीं चलेगा अब इंशाल्लाह, अब मैं ऑन एयर हूंगा, आप सवाल कर सकते हैं, फ्री नुस्खे जान सकते हैं, जो मैं कर सकता हुआ करूंगा इंशाल्लाह। आलम भाई को, डॉक्टर फहीम को, हमारी पूरी टीम को, पाकिस्तान में काम करने वाली पूरी टीम को, दुबई शारजा में काम करने वाली पूरी टीम को, सऊदीया में काम करने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, दुआओं के लिए जिन जिन्होंने कहा उन सब के लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है, हमने आपके लिए दुआ करनी है।